कंस को ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि कृष्ण ही उसका भांजा है, क्योंकि देवकी के जन्मदिन के दिन ही कृष्ण का जन्म हुआ था। उतना पूतना, जाकर सावन के महीने में पैदा हुए सारे बच्चों को मार डालो। जो आज्ञा महाराज। कंस का आदेश पाकर पूतना निकल पड़ी और गांव के हर नवजात शिशु को मारने लगी। इसी दौरान गोकुल का हर घर सजा हुआ था, क्योंकि लोग नंद गोपाल के बच्चे के जन्म से काफी खुश थे। पूतना ने कृष्ण के जन्म के बारे में सुना और उसे मारने के लिए निकल पड़ी। उसने एक गोपी का भेष बना लिया और यशोदा के घर पहुंच गई ताकि कृष्ण को मार सके। यशोदा, यशोदा, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे बेटे कृष्ण को देखने आई हूँ। ओह, वो तो वहाँ पालने में खेल रहा है। यशोदा ने उसे कृष्ण के साथ खेलने दिया। इधर पूतना कृष्ण के साथ खेलने लगी और उधर यशोदा घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद पूतना ने आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने कृष्ण को पालने से निकाला और अपने हाथों में उठाकर घर से बाहर निकल गई। इस तरह वो कृष्ण को गोकुल से बाहर ले आई। वो अपना जहरीला दूध पिलाकर कृष्ण को मारना चाहती थी। लेकिन छोटे से कृष्ण ने जब उसका दूध पीना शुरू किया तो उसे इतना दर्द हुआ कि राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। उसने अपने आप को कृष्ण से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। फिर वो जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर गई। यशोदा ने देखा कि कृष्ण अपने पालने में नहीं है। यशोदा भी गांव वालों के साथ भागे भागे वहां पहुंची, जहां पूतना मरी पड़ी थी। कृष्ण, कृष्ण, ये राक्षसी कौन है? ये तो वही राक्षसी है जो छोटे बच्चों को मार देती है। ये तो अच्छा हुआ किसी ने इसे मार दिया। ओह कृष्ण, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और कृष्ण उनकी गोद में ऐसे खेलने लगे और हंसने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूतना के मारे जाने से कंस के दरबार में हर कोई हैरान था। उसके दुष्ट मंत्री भी इस समाचार पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। महाराज, विश्वास नहीं होता, पूतना मारी गई। उस जैसी राक्षसी को कौन मार सकता है? हाँ, लेकिन अभी ये साफ हो गया, हमारा दुश्मन गोकुल में है। कंस ये सोचने लगा कि कृष्ण का अंत कैसे किया जाए और फिर उसे कुछ सूझा। त्रिनावर्त। अचानक से जोर की आंधी चलने लगी और एक बड़ा सा राक्षस दरबार में आ गया। ये था त्रिनावर्त। जी महाराज, त्रिनावर्त, जाओ गोकुल में जाकर पता लगाओ कि पूतना को किसने मारा है और उसे मार दो। आप जैसा कहे महाराज।
इधर गोकुल में यशोदा घर के कामों में लगी थी और कान्हा आंगन में अकेले खेल रहे थे। उसी समय वो राक्षस त्रिनावर्त आंधी के गुबार में बदल गया और कान्हा को उड़ा ले गया। यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, कान्हा कान्हा कोई मेरे कान्हा को बचाओ, कान्हा कान्हा कोई मदद करो मेरी कान्हा को बचाओ, कान्हा कान्हा। लेकिन कोई हल ना निकला। त्रिनावर्त काफी ऊपर पहुंच चुका था। वो कान्हा को काफी ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देना चाहता था। ओ अच्छा, तो तुम ही हो कृष्ण, तुम ही हो जिसकी गोकुल के लोग तारीफ करते हैं और पूतना मरी तो तुम वही थे। पूतना की मौत से कुछ तो वास्ता है तुम्हारा, अब तुम मेरे हाथों मरने जा रहे हो। लेकिन छोटे से कान्हा भारी होते जा रहे थे। राक्षस को ऐसा लगा जैसे उसने कोई बड़ा सा पहाड़ उठा रखा है। कान्हा कान्हा, कान्हा ने राक्षस की गर्दन दबाकर उसे मार डाला। गांव वालों ने देखा कि बड़े से राक्षस का शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। उधर यशोदा कान्हा को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची, लेकिन कान्हा उस राक्षस की छाती पर ऐसे खेल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यशोदा ने कान्हा को सीने से लगा लिया। प्यारे ग्रामवासियों, दिन ब दिन हमारे गांव में लोगों और जानवरों की सुरक्षा कम होती जा रही है। अच्छा होगा हम कहीं और चले जाएं। इसी में हमारे जानवरों और हमारी भलाई है, क्या कहते हैं आप? लेकिन हम जाएंगे कहाँ? एक बहुत ही सुंदर जगह है जिसका नाम है वृंदावन, जो गोवर्धन पहाड़ के नीचे बसी हुई है। वहाँ हम और हमारे जानवर दोनों सुरक्षित और खुशहाल रहेंगे। वृंदावन जाने की नंद की सलाह का सभी गाँव वालों ने स्वागत किया। अगले ही दिन सबने अपना सामान बांधा और बैलगाड़ी से निकल पड़े। एक लंबी यात्रा के बाद सभी गांव वाले वृंदावन पहुंचे। वहां सभी के दिन अच्छे से गुजरने लगे। उधर कंस को कृष्ण की चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता चला। उसे इस बात का अंदाजा हो चला था कि उसका सामना किसी साधारण बालक से नहीं है और वो हर हालत में कृष्ण को मार देना चाहता था। और इस काम के लिए कंस ने पूतना के भाई बकासुर को भेजा। बकासुर, तुम्हें अपनी बहन के हत्यारे से बदला लेना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। वो कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगा?
उसका नाम है कृष्ण और वो वृंदावन में रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मार डालो। चिंता मत कीजिए महाराज, कृष्ण को मारना मेरा सौभाग्य होगा। ये जानने के बाद कि उसकी बहन को किसने मारा है, बकासुर गुस्से में वृंदावन के लिए निकल पड़ा। कृष्णा, उनके भाई बलराम और उनके दोस्त गायों को यमुना के किनारे चराने के लिए आए थे। काफी देर तक खेलने कूदने के बाद सब लोग नदी के पास पानी पीने आए। वहां उन्होंने बड़ी सी चोंच वाला एक बड़ा सा बगुला देखा जो एक टांग पर खड़ा था। बच्चे डर गए, लेकिन कृष्ण को कुछ शक हुआ। मित्रों, मुझे नहीं लगता ये कोई आम बगुला है, तो तुम इससे दूर ही रहो, मैं देखता हूँ इसे। लेकिन कृष्णा, ध्यान से, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। चिंता मत करो, हमारे कृष्ण को कुछ नहीं होगा। कृष्ण, तुम जाकर देखो, हम इस भयानक बगुले को यहाँ नहीं रहने दे सकते, ये गाँव वालों को नुकसान पहुँचा सकता है। कृष्णा अपने मित्रों की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर बगुले की तरफ बढ़े। बगुले ने भी नन्हे से कृष्ण का अपने पास आने तक आराम से इंतजार किया। जैसे ही कृष्ण बगुले के पास पहुँचे, उसने उन्हें अपनी चोंच में दबाया और निगल गया। कृष्ण ने अपने आप को एक आग के गोले में बदल लिया और तभी बगुला का गला जलने लगा। जब उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, तब उसे खूब खांसी आई और उसने कृष्ण को उगल दिया। और फिर बगुला कृष्ण के पीछे भागा और अपनी चोंच से हमला किया। कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर चीर डाली। उन्होंने अपनी एक टांग उसकी चोंच पर रखी और अपने हाथों से उसकी चोंच को तोड़ दिया और बकासुर मारा गया। उनके मित्र ये देखकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मदेव, कृष्ण की लीला देखकर मन ही नहीं भरता। मैं तो लगातार कृष्ण की लीला सुना सकता हूँ, वो खत्म नहीं होंगी। नारायण नारायण। ब्रह्मा को नारद की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने कृष्ण की शक्तियों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन कृष्ण और उनके दोस्त गायों को लेकर जंगल में गए और खेलने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद सबको भूख लगाई। देखो, नदी के किनारे वो जगह कितनी सुंदर है, चलो हम वहीं बैठकर खाएं। सारे लड़के कृष्ण के आसपास बैठ गए और उन्होंने उत्साहित होकर खोली अपने खाने की पोटली और हंसी मजाक करते हुए मजे से खाना खाने लगे। और इन्हें अपनी गायों का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक से एक लड़के ने देखा कि वहाँ गाय है ही नहीं। गाय कहाँ गई? वो जंगल में चली गई होंगी। तो
तुम चिंता मत करो दोस्तों, मैं जाकर हमारी गाय वापस लाऊंगा। तुम लोग खाना खाओ। जब कृष्ण को गाय कहीं नहीं मिली तो वो वहां वापस आ गए जहां उनके दोस्त बैठे थे, लेकिन वो हैरान रह गए क्योंकि वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर ध्यान लगाने के बाद उन्हें पता चल गया कि ये तो ब्रह्मा की लीला है। वो सब कुछ समझ गए। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तो ये ब्रह्मा की लीला है, अब आप कृष्ण लीला देखिए। कृष्ण ने अपने दोस्तों और गायों को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने कई रूप बना लिए और उन्हें अपने दोस्तों और गायों की शक्ल दे दी। ये बिल्कुल उन्हीं की तरह थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। यही थी कृष्ण लीला। जब कृष्ण अपने सारे रूपों के साथ वृंदावन आए तो गोपियों को अपनी भक्ति और शक्ति से ये पता चल गया कि सारे बच्चे कृष्ण ही हैं। उन्हें बच्चों को खिलाने पिलाने में मजा आने लगा। ब्रह्मा ये देखने के लिए फिर से वृंदावन आए कि उनकी योजना का हुआ क्या। वो सारे बच्चों और गायों को देखकर हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? सारे लड़के और वो गायें अभी भी उस गुफा में सो रहे हैं जहां मैंने उन्हें छिपाया था, तो फिर वो यहाँ कृष्ण के साथ कैसे हो सकते हैं? कृष्ण ब्रह्मा की इस दुविधा को देखकर हंस रहे थे। आखिरकार उनको उन पर दया आ गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। अब जब ब्रह्मा ने कृष्णा के साथ मौजूद लड़कों और गायों को देखा तो उन्हें काफी सारे कृष्ण दिखाई दिए। ना तो कोई वहां लड़का था और ना गाय, सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण। भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। मैं जान गया, आपकी शक्तियों को पूरी तरह से जानना असंभव है। भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ। ब्रह्मा ने कृष्ण से विदा लिया और वो स्वर्ग लौट गए। और उन लड़कों और गायों के रूप में मौजूद कृष्ण गायब हो गए। सारे लड़के और गायें उसी जगह वापस आ गए जहां से ब्रह्मा जी उन्हें ले गए थे, लेकिन उन पर जादू का असर था जिसकी वजह से उन्हें कुछ याद नहीं रहा कि उनके साथ हुआ क्या था। वृंदावन किसी जंगल की तरह नहीं बल्कि एक खूबसूरत बगीचा लगता था। वसंत ऋतु भी आ गई थी। वृंदावन के जंगल कृष्ण की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। कृष्ण जहाँ भी जाते थे जादू कर देते थे। कृष्ण, बलराम और उनके दोस्त शरारत कर रहे थे। गायें भी बड़े प्यार से रहती थीं और हर रोज उन्हें चरने के लिए ले जाने और वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन वृंदावन में एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे नहीं जाते थे। वृंदावन की इस जगह का नाम था तलवन। तलवन वृंदावन का एक खूबसूरत हिस्सा था जहाँ काफी सारे वृक्ष थे जिन पर स्वादिष्ट फल लगे थे। एक दिन सभी बच्चों ने तलवन जाने का फैसला किया।
कृष्ण और बलराम के साथ वो सब तलवन चले गए। लेकिन इस जगह पर एक शक्तिशाली राक्षस देनुकासुर का कब्जा था, जिसने एक बड़े से गधे का आकार ले लिया था। बलराम ने पेड़ के तने को जोर से हिलाना शुरू कर दिया, इतनी जोर से कि वृक्ष से फल जमीन पर गिरने लगे। गिरने की आवाज सुनकर देनुकासुर भागता हुआ उनके पास आ गया। उसके आने से जमीन हिलने लगी और जोर से बिजली कड़कने लगी। देनुकासुर ने बलराम की छाती पर दुलत्ती जड़ दी। ऐसा लगा जैसे बलराम को इस गधे के वार से कोई असर ही नहीं हुआ। बलराम ने उसे पैरों से पकड़ लिया और उसे गोल गोल जोर जोर से घुमाने लगे और फिर उसे एक बड़े से पेड़ पर दे मारा। तलवन पर कब्जा जमाए बैठा ये राक्षस मारा गया और पूरे वृंदावन में शांति फैल गई। कृष्ण और बलराम के बहादुरी के किस्से कंस को अक्सर सुनने को मिल ही जाते थे। कंस चिंता में रहता कि आखिर दोनों भाइयों को मारा कैसे जाए। मुझे दोनों भाइयों को अलग करना होगा। इस तरह से कृष्ण की ताकत आधी हो जाएगी और मेरे राक्षस उसे बड़ी आसानी से मार देंगे। ये सोचकर उसने अपने एक शक्तिशाली राक्षस प्रलंब को बुलवाया और उसे आदेश दिया, प्रलंब वृंदावन जाओ और बलराम को पकड़ लो। इससे कृष्ण की ताकत आधी हो जाएगी और हम उसे हरा देंगे। आपकी जो आज्ञा महाराज। जब प्रलंब वृंदावन पहुंचा तो उसने देखा कि कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। उसने एक गांव के लड़के का भेष धरा और उनके साथ खेलने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे पहचान लिया। उसी वक्त कृष्ण ने उसे मारने की योजना बनाई। चलो एक नया खेल खेलें। हम दो दल बनाएंगे और हर दल का एक मुखिया होगा। जो दल हारेगा वो दूसरे दल को पीठ की सवारी कराएगा। हर कोई ये नया खेल खेलने के लिए उत्सुक था। कृष्ण ने सारे लड़कों को दो दलों में बांट दिया और राक्षस को अपने दल में रखा। एक दल के मुखिया बलराम थे और दूसरे के कृष्ण। कृष्ण का दल हार गया और उन्हें बलराम के दल वालों को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाना पड़ा।
लड़के के भेष में मौजूद प्रलंब ने बलराम को अपनी पीठ पर बैठाया। जब उसने देखा कि कोई उसे नहीं देख रहा है तो वो बलराम को लेकर दूसरी तरफ निकल गया। फिर बिना बल गंवाए वो अपने असली रूप में आ गया। बलराम ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और प्रलंब के सिर पर जोर से वार किया। ये वार इतना जोरदार था कि राक्षस का सिर फूट गया और वो नीचे गिरकर मर गया। उसकी आवाज सुनकर कृष्ण और बाकी लड़के वहां आ गए और कृष्ण ने बलराम की प्रशंसा करते हुए कहा, बहुत अच्छे दाऊ, आपने तो इस राक्षस की जान ही निकाल दी। वृंदावन में एक बार कृष्ण ने जंगल में घूमने की योजना बनाई और इसके लिए कृष्ण ने अपने दोस्तों को बुलाया। मित्रों, क्यों ना आज हम जंगल में घूमने चलें? बहुत मजा आएगा, लेकिन जंगल में काफी खतरनाक जानवर भी हैं। हम अपनी गायों को वहाँ नहीं ले जा सकते। अरे डरो मत, हमें डरने की जरूरत नहीं है, जब कृष्णा हमारे साथ है जैसा कृष्ण कहता है वैसा करते हैं। इसके बाद कृष्ण बंसी बजाते हुए आगे चलने लगे और बाकी के लड़के लाठी, डंडे और काफी सारे दही चावल लेकर उनके पीछे चल पड़े। बकासुर, जो पूतना और बकासुर का भाई था, उसने एक अजगर का रूप ले लिया और कृष्ण का रास्ते में इंतजार करने लगा। उसने अपना मुंह खोला जो देखने में एक बड़ी गुफा जैसी लग रही थी। उसका निचला जबड़ा जमीन को छू रहा था और ऊपरी आसमान को। सबने समझा कि ये जंगल की एक गुफा है और वो हंसते हंसते ताली बजाते हुए उसके अंदर चले गए। कृष्ण को पता था कि ये एक अजगर है और इसके मुंह में जाने का मतलब है मारे जाना। अजगर ने कृष्ण के आने का इंतजार किया और कृष्ण धीरे धीरे उसके मुंह में घुस गए। अगासुर अपना मुंह बंद करके सबको निगलने लगा। अब सबको पता चल गया कि वो अजगर का मुंह है और सब डर गए। कृष्ण जल्दी से उसके गले तक गए और अपने शरीर को बड़ा करने लगे। चलो अब सब लोग इसके मुंह से बाहर निकलो। जब कृष्ण ने देखा कि सब बाहर निकल गए हैं
तो कृष्ण अपना शरीर और बड़ा करने लगे और इस तरह अगासुर कृष्ण द्वारा मारा गया। खतरनाक बकासुर की मौत की खबर दूर दूर तक फैल गई। ये सुनकर कंस आग बबूला हो गया कि कृष्ण ने बकासुर को भी मार दिया है। एक बच्चा मेरे भेजे हुए हर असुर को कैसे मार सकता है? मैं मान नहीं सकता। क्या धरती पर कोई ऐसा असुर नहीं जो उस छोटे से बच्चे को मार सके? नारायण 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 नारायण। महाराज कंस, मुझे पता है कि आपने कृष्ण और बलराम को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपकी मृत्यु नजदीक लगती है, आपको कृष्ण को मारने के लिए कुछ करना होगा। कृष्ण काफी ताकतवर है और वो बलराम के साथ मिलकर आपसे बदला जरूर लेगा। हाँ, मैंने उसे मारने की कई योजनाएं बनाई लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अपने असुरों को उसे मारने भेजने की बजाय आपको कोई आयोजन करना चाहिए जिसमें उनको बुलाकर आप उन्हें खत्म कर दें। आह नारद मुनि, क्या कमाल की योजना बताई आपने। मैं अभी आयोजन करता हूँ। नारायण नारायण। हो गया मेरा काम। ऐसा कहकर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ नारद वहाँ से चले गए। नारद के जाने के बाद कंस ने सोचा कि वो धनुर्यज्ञ का आयोजन करेगा जिसमें वो दोनों भाइयों को भी बुलाएगा और फिर उन दोनों को पहलवानों से मरवा डालेगा। कंस ने मुष्टिक और चाणूर को बुलाया। वो उसके राज्य के बेहतरीन पहलवान थे। उसने कहा, मुष्टिक और चाणूर, तुम्हें पता ही होगा कि ऐसी भविष्यवाणी की गई थी कि कृष्ण ही मुझे मार सकता है। मैंने फैसला किया है कि उसे धनुर्यज्ञ के मौके पर बुलाया जाए और उसके भाई बलराम के साथ उसे मार दिया जाए। आप जैसा कहें महाराज। और महावत, तुम हमारे ताकतवर हाथी कुवलिया पीड़ को अखाड़े के दरवाजे पर खड़ा कर देना और उसे उकसाना ताकि उन्हें मार डाले। जी महाराज। और तुम सुनो, तुम वृंदावन जाओ और मेरी तरफ से मेरे दोनों भांजों कृष्ण और बलराम को यहाँ आने का न्योता दो। मैं उन्हें कुवलिया पीठ के ताकतवर पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा जैसे ही वो यहाँ आएंगे। अगर वो जिंदा बच गए तब भी मेरे ताकतवर पहलवानों से नहीं बचेंगे। महाराज कंस, आप राजा हैं, मैं आपके आदेश का पालन जरूर करूँगा, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए आप ये अन्याय नहीं कर रहे हैं क्या? पर आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए वृंदावन जरूर जाऊंगा और कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आऊंगा। ये कहकर अक्रूर वृंदावन के लिए निकल पड़े। जब वो नंद गोपाल के घर पहुंचे तो उनके दिमाग में कृष्ण की ही बातें घूमने लगी। उन्होंने आंगन में बलराम और कृष्ण को खेलते देखा। ये देखकर अक्रूर काफी खुश हुए। मैं यहाँ पर आपको धनुर्यज्ञ और कुश्ती के लिए न्योता देने आया हूँ। कंस आपको मारने की योजना बना रहे हैं। आप दोनों को रथ में लेकर आने को कहा गया है। हम अपने मामा से मिलने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। उनसे मिलकर हिसाब किताब करने का ये अच्छा मौका है। अगले दिन कृष्ण और बलराम कंस से मिलने के लिए मथुरा निकल पड़े। यशोदा ने उन्हें नम आंखों से विदा किया। शाम होने से पहले ही अक्रूर, कृष्णा
और बलराम मथुरा पहुंच गए। अगले दिन धनुर्यज्ञ के लिए सड़कों को फूलों से सजाया गया। पूरे मथुरा में उत्सव का माहौल था। लोगों ने नए कपड़े पहने और महल जाने के लिए निकल पड़े जहां उत्सव मनाया जाना था। मुख्य दरवाजे पर कुवल्या पीड़ नाम के हाथी को खड़ा किया गया था। महावत ने जानबूझकर अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया। कृष्ण ने महावत से गुस्से में कहा, महावत अपने हाथी को खड़ा करके रास्ता मत रोको, हमें अंदर जाना है। अगर तुम रास्ते से नहीं हटे तो तुम दोनों मारे जाओगे। महावत ने कुवल्य पीड़ को कृष्ण पर हमला करने के लिए कहा। हाथी ने अपनी सूंड से कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण पीछे हट गए। उन्होंने उसके माथे पर जोर से मुक्का मारा और फिर दोनों उसकी टांगों के बीच में छिप गए। कृष्ण ने हाथी के पीछे जाकर उसकी पूंछ पकड़ ली और जोर से खींचा। हाथी दर्द के मारे उछला तो महावत भी नीचे गिर पड़ा। फिर दोनों ने हाथी के दांत पकड़कर तोड़ डाले और फिर उन्हीं दांतों को हाथी के पेट में घोंप दिया। इस तरह कुवल्य पीड़ मारा गया। अब तक कुश्ती की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। कृष्ण और बलराम दोनों अखाड़े में पहुंचे। तुम्हारा स्वागत है। हमने तुम्हारे बहुत किस्से सुने हैं। महाराज कंस तुम्हारी ताकत देखना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ मथुरा में बुलवाया गया है, जिससे कि तुम हमसे कुश्ती कर सको। राजा को खुश करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, लेकिन हम तो बच्चे हैं। हम दुनिया के बेहतरीन पहलवानों से कैसे लड़ सकते हैं? तुम छोटे बच्चे नहीं हो। अभी तुमने ताकतवर कुवल्या पीड़ को हराया है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम अपने से ताकतवर पहलवानों से लड़ सकते हो। अब आकर हमें अपनी ताकत दिखाओ, क्यों ना दो दो हाथ हो जाए। कृष्ण और बलराम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। कृष्ण ने चाणूर को मारने का फैसला कर लिया। उन्होंने चाणूर को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे जोर से तब तक घुमाते रहे जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। मथुरा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। कृष्ण और बलराम उन्हें अपने रक्षक लगने लगे। We'll be right back.
जब कंस ने देखा कि उसके सबसे ताकतवर पहलवान कृष्ण और बलराम के हाथों मारे गए हैं, तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सका। बंद करो ये शोर शराबा, इन लड़कों को मथुरा से बाहर निकाल दो, वासुदेव देवकी और मेरे पिता उग्रसेन को मार दो। धरती तुम्हारे पापों के बोझ को सहन कर रही थी। तुम बहुत ही घमंडी और दुष्ट हो। तुमने अपने ही पिता और छोटी बहन को जेल में डाल दिया। तुमने 7 बच्चों को पैदा होते ही मार दिया, ताकि तुम धरती पर और पाप करने के लिए जिंदा रह सको। जब से मैं पैदा हुआ, तुमने मुझे कई तरीकों से मारने की कोशिश की, और अब तुमने सोचा कि तुम मुझे यहाँ बुलाकर मार सकते हो, लेकिन तुम गलत थे। इस तरह से तो तुम्हारी मौत आनी ही थी। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसका मतलब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। और इस तरह से कंस का अंत हुआ। कृष्ण और बलराम वासुदेव और देवकी को आजाद कराने के लिए तुरंत जेल गए। वासुदेव और देवकी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए, और जैसा कि आकाशवाणी हुई थी, कृष्ण आए और उन्होंने कंस को मार दिया और अच्छाई की फिर से जीत हो गई। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि आने वाले सालों में कृष्ण को धरती पर रहते हुए काफी कुछ करना था। Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.